नमस्कार, इंदु आइडियल तड़का रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आई हूँ एक हेल्दी खीर, जो बिना चीनी का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनने वाला है। चलिए इसे बनाने का तरीका देखते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 200 ग्राम साबूदाना ली हूँ। इस साबूदाना आप देख सकते हैं मीडियम साइज का है, तो बस इसमें स्टार्च होता है, इसलिए हम इसे अच्छे से धो लेंगे पहले दो पानी से। तो एक बार मैं धोई हूँ, इधर देखिए कितना पानी थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, तो एक बार और इसे धो लूँगी। उसके बाद मैं इसे भीगने के लिए रख दूँगी। इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है ऐसे आप धो के और फिर भीगने के लिए रखेंगे। तो बस ये देखिए धुल गया है, अब मैं इसे भीगने के लिए रख दूँगी। 2 घंटे के लिए भिंगोना है। बस ये फूल के देखिए कितना अच्छा बड़ा साइज हो गया है। 1 लीटर दूध को मैं अच्छे से उबाल के रखी थी, अब मैं इस पतीले में दूध डाल दी हूँ। पहले आप हमेशा ऐसे करें, दूध पहले डालें बाद में साबूदाना डालें इसमें, तो दूध ऐसे उसमें उबल रहा है। मतलब तो गैस पे डाल दी हूँ मैं, 1 मिनट वो थोड़ा उबल गया है, फिर मैं इसमें डाली हूँ ये साबूदाना। साबूदाना मैं पानी में से निकाल के इसमें डाल दी हूँ, थोड़ा मैं उधर बचा ली हूँ, उसे बाद में कुछ और बनाना है मुझे। तो बस मैं इसमें अब डाल के इसे उबालूंगी अच्छे से। तो 5-7 मिनट लगते हैं इस खीर को बनने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5-10 मिनट के अंदर ये खीर बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल स्वादिष्ट सा खीर। तो देखिए मैं चीनी इसमें नहीं डाल के और क्या डालूंगी, तो यहाँ पे ये उबल रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये देखिए गुड़, ये 200 ग्राम गुड़ मैं ली हूँ, अच्छा वाला गुड़ है ये। और इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के इसे दूसरे गैस पे अलग से इसे उबाल के पकाऊंगी, अच्छे से इसे खौला के पकाना है। और बीच बीच में ये साबुदाने को भी आप चलाते रहें, ये चिपकना नहीं चाहिए नीचे, इस बात का आप ध्यान रखें। तब तक मैं इधर ड्राई फ्रूट भी काट ले रही हूँ और ये उबल रहा है। इधर देखिए मैं इधर भी चला दी, अब गुड़ को भी मैं देख रही हूँ अच्छे से वो पिघलने वाला है। तो बस अच्छे से पिघल जाएगा, उसके बाद ही वो थोड़ा पक भी जाएगा। 5-7 मिनट दोनों को आप साथ में पकने दें अच्छे से। गुड़ बाद में हमें नहीं पकाना है, इसमें खीर में जब हम डालेंगे गुड़ तो इसका कलर भी बहुत अच्छा दिखेगा, केसरिया रंग का, और टेस्ट तो अमेजिंग होगा ही। और आज इस खीर को मैं बिल्कुल से केसरिया रंग का बनाऊंगी, बिना केसर का, केसर डाले ही मैं केसरिया रंग का खीर आज तैयार करूंगी। देखिए यहाँ पे हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेनिफिट है गुड़ का, तो इसलिए इस तरह से साबुदाने में आप गुड़ को डाल के खाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी हो जाएगा। तो देखिए वो खौल गया उधर, और इधर ये खीर भी अभी हो चुका है, उबल उबल गया है अच्छे से। तो अब ये पकने ही वाला है, इसे आप देख सकते हैं यहाँ हाथों में दिखेगा आपको, ट्रांसपेरेंट जब दिखने लगे ये तो आपको पता लग जाएगा कि ये अच्छे से पक गया है। उसी टाइम हम बंद करेंगे गैस, जब ये दिख जाए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिए इस चीज़ का और चलाते रहिए। आपको ये रेसिपी हमारी कैसी लग रही है आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहे ऐसी हेल्दी हेल्दी टेस्टी नाश्ता और डिश देखने के लिए। बस देखिए ये ड्राई फ्रूट मेरा कट गया है, ये भी खीर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सा ये दिख रहा है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे अब गैस बंद कर दूंगी, ठीक है, गैस बंद कर दी। 5 मिनट ये ठंडा हो गया है, अब मैं इस गुड़ को अच्छे से छान लूँगी। इसमें कुछ होगा तो अलग हो जाएगा, जो खीर है इसमें मैं गुड़ को एक हाथ से अच्छे से चलाते हुए तब इसमें मैं मिक्स करूँगी, ताकि ये फटे नहीं, नहीं तो कई बार दूध है ना फट जाता है इसमें गुड़ डालने से या ड्राई फ्रूट डालने से। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ड्राई फ्रूट कभी पहले नहीं डालें, और गुड़ डालते समय लगातार हाथ हिलाते रहें और थोड़ा थोड़ा डालें। बस देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सा कलर हो गया ना, तो देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर दिया यहाँ पे। अब मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट डाल दूंगी, अब ये तैयार है, आप इंजॉय कीजिए। ज़रूर एक बार ऐसे गुड़ के साथ इसे बना करके आप ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और अगली रेसिपी लेकर के हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे,
तब तक ये खीर सर्व करके हम आपको दिखाते हैं। लीजिए, बहुत ही टेस्टी खीर बन गया है ये, तो मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। लीजिए, मुँह मीठा ज़रूर कीजिए, थोड़ा गर्म है, आराम से खाइएगा, थोड़ा ठंडा करके ये और भी टेस्ट हो जाता है। तो लीजिए बस ये टेस्टी खीर, एक स्पून के साथ मैं दिखाती हूँ आपको। लीजिए, देखिए कितना है ना टेस्टी। तो बस इंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।